हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं और आपके सामने कुछ सर्वर से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, जैसे कि यहाँ पर हम अपडेट भी कर रहे हैं प्ले स्टोर में, पर ये एप्लीकेशन अपडेट नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर दोबारा ट्राई करता हूँ और ये अपडेट नहीं हो पा रही है पूरी तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पर ओपन पर सिंपली क्लिक करता हूँ और जो YouTube एप्लीकेशन है वो भी यहाँ पर ओपन नहीं हो पा रही है। आप इसे बार बार यहाँ पर ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है, पर ये ओपन नहीं होगी। इसके लिए आपको करना क्या है, YouTube एप्लीकेशन को प्रेस करना है, ऐप इन्फो पर सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, क्लियर डाटा ओके इतना कर देना है। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन है अगर आप ऐसा करते हैं तो वो काम करना शुरू कर देती हैं एकदम बिल्कुल नए सिरे से। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पर पहली बात तो सर्च करता हूँ यूट्यूब, और उसके बाद में सर्च करने के बाद हम अपडेट पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। और ये प्रॉब्लम आती क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये प्रॉब्लम तब देखने को मिलती है जैसे कि अगर आपका मोबाइल है वो अपडेट नहीं हुआ है, या फिर आप काफ़ी समय से एक ही ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ईमेल आईडी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसी के साथ में कुछ एप्लीकेशन में एरर आ जाते हैं, तब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। तो हमने यहाँ पर एप्लीकेशन का था जो कि हमें एप्लीकेशन में लग रही थी कि यहाँ दिक्कत है, तो वो भी हमने यहाँ पर हटा दिया। और मैं यहाँ पर इंटरनेट भी वाईफाई वाला भी यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फिर भी ये है पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, पर ये अपडेट नहीं हो रहा है, और ये जब तक अपडेट नहीं होगा तब तक हम इस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपका किसी कोई भी कंपनी का फ़ोन क्यों ना हो, तो ये सर्वर से रिलेटेड दिखा रहा है, पर एप्लीकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है यूट्यूब की। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम जाएंगे यहाँ से सिंपली इसे कट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे क्या करूँगा, इसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ कट। ठीक है, तो मैं इसे बैक कर देता हूँ और हम जाएंगे अपने फ़ोन की सेटिंग्स में और सिस्टम पर जाएंगे और हम यहाँ पर सिस्टम अपडेट करेंगे अपने फ़ोन का ऑनलाइन। ठीक है, तो देख सकते हैं ये भी यानी कि लेटेस्ट सक्सेसफुल, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिखा रहा है जो भी लेटेस्ट वर्जन है मोबाइल का वो। ठीक है, उसके बाद में हम ईमेल आईडी को ओपन करेंगे और अपनी एक न्यू ईमेल आईडी बनाएंगे। ठीक है, तो अपनी ईमेल आईडी की प्रोफाइल पर जाएंगे, गूगल अकाउंट पे जाएंगे, उसके बाद में गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक न्यू अकाउंट बनाना है। ठीक है, यहाँ पर क्रेडिट अकाउंट, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, फॉर माई सेल्फ पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, एक्स वाई जेड कोई भी नेम दे देंगे। नेम देने के बाद आप नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक करेंगे, अपना यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करेंगे, डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में आप यहाँ ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, मेल है फीमेल। उसके बाद में नेक्स्ट पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पर एक्स वाई जेड अपनी ईमेल आईडी का कोई भी एड्रेस बना सकते हैं, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बनाया जा रही है। आपको यहाँ पर अपनी जो रियल जानकारी है वो यहाँ पर सेव करना नहीं है। ठीक है, जो कि एक डेमो के तौर पर ये बनाई जा रही है ईमेल आईडी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर कुछ भी दे देते हैं, नेक्स्ट पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। अपना यहाँ पर पासवर्ड दे देंगे जो कि आपको बनाना ही होगा 8 अंकों का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, उसके बाद में हम नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, आई एम इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। उसके बाद में प्राइवेसी को आप पढ़ सकते हैं, आई एग्री पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद जो आपकी ईमेल आईडी है वो समझो यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है, और उसके बाद में देखते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं होती है। हमारी ईमेल आईडी यहाँ पर बन चुकी है, देख सकते हैं लोगों। उसके बाद में हम प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और प्ले स्टोर में भी अपनी ईमेल आईडी को चेंज कर लेंगे, देख सकते हैं हमारी वही ईमेल आईडी है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अब देख सकते हैं इसका कुछ इंटरफेस है कुछ बदल गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर यानी कि वीडियो को चला सकते हैं, पर क्या करेंगे हम अपनी YouTube एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हम प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में हम लिखेंगे YouTube। YouTube लिखने के बाद आप देख सकते हैं ये अपडेट हो चुकी है पूरी तरीके से। ठीक है, पर मैं इसे दोबारा अनइंस्टॉल करूँगा, फिर इसे यहाँ पर करूँगा। ठीक है, अपडेट, ठीक है, जैसे कि हमने अनइंस्टॉल कर दिया, अब ये अपडेट हो गई। ठीक है, यानी कि अपडेट मांग रही है, तो हम इसे अपडेट कर देंगे। और यहाँ पर आ रहा है जैसे कि कुछ इस तरीके से आएगा, तो आपको नॉट नाउ पे सिंपली क्लिक कर देना है और ये हमारी अपडेट हो चुकी है। देख सकते हैं मेरा इंटरनेट बहुत यहाँ पर फास्ट था, जो कि 90 MB की एप्लीकेशन है, वो सॉरी 38 MB की एप्लीकेशन है, वो यहाँ पर अपडेट हो चुकी है।
तो इस प्रॉब्लम को कुछ इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। उसके बाद में हम जानेंगे कि आखिर इसमें अपडेट क्या हुआ है, ठीक है, इस एप्लीकेशन में। तो चलिए, यहाँ पर हमारा अभी ये इंस्टॉल हो रहा है यूट्यूब एप्लीकेशन, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, सपोर्ट करें एकदम। ये बिल्कुल न्यू चैनल है, ठीक है, और ये पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है। तो हमने यहाँ पर अपडेट के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक किया, जो कि अपडेट हुआ है वो हुआ है इसके अंदर प्रोटेक्ट्स, ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी को लेकर। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर रेटिंग वगैरह जो की हैं वो आप सब कुछ देख ही सकते हैं। उसके बाद में अब हम यहाँ पर यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम पूरी तरीके से यूट्यूब एप्लीकेशन को चला सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।